कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गुरुवार को मुरैना आए और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना का नाम लिए बिना कहा कि सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि वोट दो हम तुम्हें रेत पत्थर का अवैध उत्खनन करने देंगे, चुनाव आयोग चुप, प्रशासन चुप, कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा। एक मंत्री कहता है कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो 25 लाख का इनाम देंगे, चुनाव आयोग चुप, पुलिस चुप। यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही बचाने की लड़ाई है। और क्या कुछ वे बोले सुनिए। भाषा थी सबका साथ सबका विकास सबसे विश्वास। 140 करोड़ लोग मेरे परिवार है। अब जैसे ही फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की भाषा बदली, वो आ गए मंगल सूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे, वाम सोच पे। अभी आप देखो कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय की व्यवस्था, बहस हो रही है देश में इस पे। नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कांग्रेस के वचन पत्र पे, बीजेपी भाषण देती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, कांग्रेस भी भाषण देती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, मीडिया भी बातें करती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, 5 न्याय पे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया था जिसमें मोदी के फोटो ही फोटो थी, उस पर एक दिन भी आप लोगों ने बहस की? क्या है बताओ जरा, कोई बताए देश का कि बीजेपी ने वचन पत्र में क्या दिया? याद ही नहीं है। देश का लोकतंत्र बचाना है तो मोदी को भगाना है, देश का संविधान बचाना है तो मोदी को भगाना है, देश का कि वोट की अधिकार को देश की जनता को बचाना है तो मोदी को भगाना है, और देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। एक मुख्यमंत्री, एक सरकार का मंत्री कहता है कि वोट दो हम तुम्हें अवैध खनन करने देंगे, चुनाव आयोग चुप, प्रशासन चुप, एक शब्द भी नहीं बोलते। एक मंत्री कहता है कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो 25 लाख रुपये इनाम देंगे, भाषण में कहता है, चुनाव आयोग चुप, पुलिस चुप, कलेक्टर बंधुआ मजदूर। यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही बचाने की लड़ाई है। आपकी ताकत को बढ़ाने की इसी में साथ दो। धन्यवाद। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।